अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय होने के नाते आप बिना वीजा के कौन कौन से देशों में घूमने जा सकते हैं, तो आपका डेफिनेटली जवाब होगा कि नेपाल और भूटान। मगर मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे आप बिना वीजा के घूमने जा सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको 15 ऐसे कंट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप बिना वीजा के घूमने जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जिन देशों में आप बिना वीजा के घूमने के लिए जा सकते हैं, वो उसमें पहला नंबर पे है मॉरिशस। मॉरिशस में आप 60 दिनों के लिए बिना वीजा के आप वहां घूम फिर सकते हैं और ऐश मौज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है हांगकांग। हांगकांग में आप 14 दिन के लिए बिना वीजा के घूमने की आज़ादी है और वहां पे आप घूम फिर सकते हैं, ऐश मौज कर सकते हैं और वहां बड़े बड़े बीच, बड़े बड़े समुंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। तीसरा है फिजी। फिजी अपने बीचेस के लिए जाना जाता है और यहाँ पे आप बिना वीजा के भी फिक्र होकर घूम सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े झरने, वादियाँ और नहरें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत शहर है। चौथा नंबर पे है मकाओ। मकाओ सबसे अमीर देशों में गिनती की जाती है और यहाँ पे आपको समुद्रें, नहरें, झीलें आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए आकर्षित करती है। पांचवा नंबर पर है नेपाल। नेपाल के सुंदर पहाड़ियाँ और वहाँ के नेचुरलता की सुंदरता का नज़ारा देख सकते हैं। वहाँ पे आप बिना वीजा के जा सकते हैं। वहाँ देश विदेश से आदमी घूमने के लिए आता है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत शहर है नेपाल। आप वहाँ बिना वीजा के जा सकते हैं और घूम फिर करके ऐश मौज कर सकते हैं। छठे नंबर पर है भूटान। भूटान प्राचीन मंदिरों का एक संग्रह है, जहाँ पे देश विदेश से आदमी वहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं और आप बिना वीजा के वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे घूम फिर भी सकते हैं और वहाँ के नज़ारा देख सकते हैं। कितना आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सातवें नंबर पे है मालदीव। छोटे छोटे और खूबसूरत समुद्रों से घिरे मालदीव में आप 30 दिनों तक रह सकते हैं। वहाँ घूम फिर सकते हैं और वहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। कितना खूबसूरत, कितना आकर्षक का केंद्र बना हुआ है मालदीव। आठवें नंबर पे है कंबोडिया। कंबोडिया में एक सुप्रसिद्ध मंदिर है, अंकुरवाड मंदिर, जहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं और वहाँ लाखों करोड़ों के लोग आते हैं पर्यटक उस मंदिर को देखने के लिए। आप बिना वीजा के आप वहाँ पे 20 दिनों तक रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बहुत ही आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, जो आप यहाँ कंबोडिया में रहकर घूम फिर के नज़ारा देख सकते हैं। नौवां नंबर पे है जमैका। जमैका बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पे बिना वीजा के आप घूम फिर सकते हैं, आपको कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित करती है। दसवें नंबर पे है हैटी। हैटी में आपको वीजा नहीं, पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे आप 3 महीनों तक रह सकते हैं और यहाँ पे घूम फिर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक जगह है यह हैटी। 11वें नंबर पे है जॉर्डन। जॉर्डन बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक देश है। वो आपको एयरपोर्ट पे ही आपके पासपोर्ट के आधार पे वहाँ पे वीजा दे दी जाती है और वहाँ पे आप बेफिक्र होकर जॉर्डन में घूम सकते हैं और वहाँ के खूबसूरती का नज़ारा देख सकते हैं और उठा सकते हैं। 12वें नंबर पे आ जाता है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया खूबसूरती नेचर से भरा हुआ है और आप यहाँ पे बिना वीजा के 30 महीनों तक घूम सकते हैं और वहाँ के माइक्रोनेशिया का नज़ारा ले सकते हैं, जो देश विदेश से यहाँ पे यात्री आते हैं और माइक्रोनेशिया का नज़ारा उठाते हैं। आप भी वहाँ पे जा सकते हैं और आपका अभी अपॉर्चुनिटी है इसका फ़ायदा उठाने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, नहरें, झीलें और पहाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, जो आपको यहाँ पे मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। 13वां नंबर पे है वनुआतू। वनुआतू में भी 80 से भी ज़्यादा आइलैंड है और यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा लाजवाब है। वहाँ पे आप जाके वनुआतू के नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो यहाँ पे वनुआतू में आपको ढेर सारा यहाँ पे आइलैंड देखने को भी मिल जाता है। 14वां नंबर पे है इक्वाडोर। इक्वाडोर बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको यहाँ पे वीजा की ज़रूरत नहीं है, आपको एयरपोर्ट पे उतरते ही वीजा ऑन अराइवल की सुविधा वहाँ पे मिल जाती है, जो वहाँ से आप लेके आप इक्वाडोर के नज़ारा ले देख सकते हैं और यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं।
15वां नंबर पे है लाओस। नेचुरल हरियाली से भरी इस देश में भी आपको वीजा की जरूरत नहीं है। आपको एयरपोर्ट पर उतरते ही वहां पे वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल जाती है, जहां से लेके आप लाओस का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां पे आपको काफ़ी सारा झीलें, पहाड़ियाँ, समुद्र, बहुत सारे नदियाँ देखने को मिल जाएगा, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सो गाइस, ये फिलीपींस ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप बिना वीजा के जा सकते हैं, और कुछ में आपको एयरपोर्ट पे ही वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल जाती है, जहाँ से लेके आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ, और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। तो जब तक के लिए जय हिंद। सो गाइस, ये 15 ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप बिना वीजा के घूमने जा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप बिना वीजा के घूमने जा सकते हैं। कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको पासपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत होती है, और कुछ में पासपोर्ट एंड वीजा की आपको बहुत ही ज़रूरी होती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।